नमस्कार सभी को, जय जय एमवीडी। मेरा नाम सरोज डागर है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसको हर लेडीज को करना चाहिए। और इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी, बिजनेस के बारे में एक आप लोगों से कहानी शेयर करना चाहूंगी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी जब मैंने ये ज्वाइन किया था। और मतलब एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में एक सर आए और उन सर ने आके बोला कि ये एक हवाई जहाज है। लेकिन सब लोगों ने मना कर दिया। फिर उन्होंने और संख्या बढ़ाई पैसों की कि आपको 10,000 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन उन सब ने मना कर दिया कि नहीं, हमें जहाज से नहीं कूदना। तो उन्होंने जैसे संख्या बढ़ाई, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख तक उन्होंने संख्या बढ़ाई। उन्होंने ये की है क्या, मतलब ये क्या हो सकता है। तो उन्होंने फिर बोला कि जो सर मीटिंग करने आए थे, उन्होंने बोला एक जहाज है जो एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ है और सिर्फ 5 फीट की उसकी ऊंचाई है, और वहां से लोगों को कूदना था। सब लोगों ने अफसोस किया कि ये हमने मतलब मना क्यों कर दिया, पूरा सोचा नहीं, समझा नहीं और हमने मना कर दिया कूदने से। लेकिन बहुत अच्छी, ऐसे ही ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। जब भी हम लोगों के पास जाते हैं ना, तो उनका एक सीधा सा सिंपल सा जवाब होता है नो, जबकि वो इस बिजनेस को समझते नहीं है, जानते नहीं है कि ये हमें क्या दे सकता है। तो इस बिजनेस को मैंने जाना, समझा और जो मुझे बिजनेस चाहिए था वो मुझे ये मिला। तो मैंने इस बिजनेस को हाँ करा कि हाँ मुझे ये बिजनेस करना है। ये वो बिजनेस था जिसको कर कृपा है मेरे ऊपर के ओम सर मुझे मिले। एक यहीं पे बल्लभगढ़ में आज से 1918 तो रूबी जी के यहाँ पे एक मीटिंग थी जिसमें मुझे ओम सर मिले, और उनकी मीटिंग में उनकी कुछ बात मुझे क्लिक करी। तो मैंने एक फैसला लिया कि ये वो बिजनेस है जो मुझे करना है। तो ये बिजनेस करते हुए मैंने उस टाइम पे भी इसमें 5,000 रुपए इनकम लेनी स्टार्ट हो चुकी थी, मंथली की मुझे आने लगी थी 5,000 रुपए। तो उसके बाद कुछ ऐसी बातें आई कि मैंने ये बिजनेस छोड़ दिया जेएमवीडी, जो कि मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैंने इन सारी चीजों को नहीं समझा। और उसके बाद मैंने छोड़ने के बाद मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी, दूसरी वाली, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को समझ चुकी थी कि ये क्या पावर है। घर में तो बैठ नहीं सकती थी। और समझने के बाद पहली बात तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है, पहले तो ये समझ में आता नहीं है, लेकिन अगर ये समझ में आ जाता है तो इसको कोई आपके दिमाग से निकाल नहीं सकता। तो वही चीज मेरे साथ थी, जब मुझे ये समझ में आया तो किसी कोई भी इसको निकाल नहीं सकता। तो मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन करी। जब मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन करी तो उसकी सारी चीजें मैंने देखी और मैंने उसमें 2 साल काम किया। 2 साल काम करने के बाद भी मैंने उसमें हाईएस्ट चेक 3,000 का लिया था, और उसमें मल्टी लैग थी उस वाली कंपनी में। मल्टी लैग होने के कारण उसमें मुझे पता चला कि इसमें मैं हाईएस्ट मतलब नहीं ले सकती हूँ ज्यादा, क्योंकि मल्टी लैग चलाना एक बहुत ही मुश्किल विषय है, उसमें हम पार नहीं लग सकते हैं। तो फिर मैं, और उसके प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा कॉस्टली थे, जिसमें लोगों ने, मैंने ज्वाइन कराया तो लोगों ने प्रोडक्ट तो लिए, लेकिन उसके बाद उन प्रोडक्टों को लेना उन्होंने बंद कर दिया। और इसी क्रम में आगे चलते हुए फिर मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन करी जिसका नाम RCM था। उसमें 2 लाख का प्लान था, लेकिन 2 लाख का प्लान होने के बावजूद भी उसमें कुछ सिस्टम ऐसा था कि जब हम छोटे लेवल पे होते हैं तो उसमें इनकम आती है ज्यादा,
लेकिन जब हम बड़े लेवल पे पहुंच जाते हैं तो उसमें इनकम कम हो जाती है, लेवल बढ़ जाता है लेकिन इनकम कम हो जाती है। तो फिर ओम सर का लगातार मेरे पास फोन आता रहा, ओम सर ने मुझे फॉलो पे रखा, वो लगातार मुझे इस बारे में बताते रहे कि दोनों का प्लान में जो डिफरेंस था उन्होंने मुझे बताया भी समझाया भी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता था उस वक्त। मैंने कहा नहीं सर मुझे यही करना है, मुझे अब वो वाली जेएमवीडी में वापस नहीं आना, मुझे यही करना है। फिर उसमें ये हुआ कि आजकल जो कंपनियां चल रही हैं उसमें क्या होता है कि लोग अपने अपने चेक को बढ़ाने के लिए लोग सोचते हैं, लेकिन जेएमवीडी में मैंने देखा कि हमें जो ऊंचे लेवल के लोग हैं वो भी नीचे वालों का चेक बढ़ाने के लिए सोचते हैं कि पहले नीचे वाला का चेक बढ़े तो हमारा अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन और कंपनियों में क्या मैंने देखा कि उसमें लोग सिर्फ अपने लिए भागते हैं कि हमें अपना चेक बढ़ाना है। तो इसी क्रम में उसमें एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में जब मैंने अपने लोगों को उसमें शामिल किया तो वहां के सीनियर सर थे, उन्होंने मुझसे बोला कि सरोज जी नहीं, इसमें सिर्फ आप पावर लैग के बंदों की मेरे को आईडी दो जो जूम मीटिंग में वो आएंगे। तो मुझे ये बात वहां पे क्लिक करी। कहते हैं ना दोस्तों, एक क्लिक हमारी लाइफ बदल देता है, एक क्लिक से हम पूरे बिजनेस को समझ जाते हैं कि हमें ये बिजनेस करना है, और एक क्लिक ही होता है कि हम उसको छोड़ देते हैं। जैसे बड़े बड़े सेमिनारों में हम लोग जाते हैं तो वहां पे मुझे वो क्लिक किया, मैंने कहा सर ये तो गलत बात है और हमें बिजनेस करना है, इससे तो आपकी ये बीकर चल रही है और हमारी पावर है, इससे हमें पैसा नहीं आएगा, हमारी दोनों लाइनें चलेंगी तभी तो हमें पैसा आएगा, और हमारी टीम अगर जूम मीटिंग में नहीं आएगी तो फिर वो क्या सीखेंगे और वो कैसे आगे बढ़ेंगे। तो उस वक्त ओम सर का भी मेरे पास फोन आया तो सर ने मुझे फिर दोनों जैसे डिफरेंस बताया, तो मैंने उस डिफरेंस को समझा और उसमें लगातार मैंने काम किया। तो फिर मैंने फैसला किया कि हाँ अगर मुझे करना है तो जेमबीडी बिजनेस ही करना है। फिर मैंने जेमबीडी बिजनेस को दोबारा से ज्वाइन किया, सर ने मुझे लगातार फॉलो पे रखा 2 साल, और उन्होंने जब इसका डिफरेंस दोनों को बताया कि उसमें लेवल बढ़ने के बाद पैसा घट जाता है और हमारे इसमें लेवल बढ़ने के हिसाब से ही पैसा बढ़ता है, और जो हमारी कंपनी में अवेयरनेस वाला सिस्टम है ये बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगा। पहले से प्लान काफी चेंज हो गया है, जो 2 साल पहले था वो वाला प्लान अब नहीं है, और ये सारी चीजें देखते हुए मैंने दोबारा से जेएमवीडी करने का फैसला लिया। जेएमवीडी ना करते हुए भी जेएमवीडी के जो प्रोडक्ट थे उनको मैंने लगातार यूज किया, जैसे कि जेएमवीडी की तुलसी, जेएमवीडी का एलोवेरा, कलौंजी कैप्सूल मेरे घर में लगातार यूज होता रहा, क्योंकि जेएमवीडी के प्रोडक्टों में वो ताकत है जो मैंने जो और कंपनियां की हैं उनमें नहीं है वो। तो इसी क्रम में मैं चलती रही, और जब मैंने ये दोबारा से 6 महीने से इसको मैंने अब दोबारा से स्टार्ट किया है, और जब मैंने ये स्टार्ट किया तो सर से लगातार सारी चीजें सीखी। सर ने हमें नोकिंग करना सिखाया था तो हमने नोकिंग करना स्टार्ट किया। हमारा सुबह जाने का टाइम हम निश्चित कर लेते थे कि हाँ अगर हमें 12 बजे निकलना है तो हम 12 बजे ही निकल जाते थे, और लिस्ट खत्म हो चुकी थी क्योंकि जेएमवीडी बिजनेस पहले भी हमने बल्लभगढ़ में किया था तो लोग नेगेटिव हो चुके थे इससे। कुछ गलतियां हमारे सीनियर थे जो उन्होंने इस तरीके की कि यहाँ पे लोग बहुत सारे नेगेटिव हो चुके थे। जब हम पहले उन लोगों के पास गए तो वो नेगेटिव बातें करते थे, नहीं ये तो कंपनी चली गई है, बंद हो गई है, इसमें तो लोग ऐसा काम करते हैं। तो ये सारी चीजें देखते हुए फिर हमने ओम सर से जो सीखा था नोकिंग करना, वो नोकिंग हमने की, और हम पार्कों में गए। पार्कों में जाने के बाद हमने वहां पे नए लोग मिले हमें, उन लोगों के थ्रू हमने उनको बताया, एक को बताया मना किया, दूसरे को बताया मना किया, 10 लोगों को बताते थे तो वही क्रम एक जना हमारे साथ आता था, तो उसी से हमने बिजनेस स्टार्ट किया। वहां से हमारा रोज निकलने का टाइम निश्चित था कि हमें सुबह 12 बजे निकलना है तो निकलने आ, हमारा निकलने का टाइम निश्चित था लेकिन आने का कोई टाइम निश्चित नहीं था। कई बार मीटिंग में हमें 9 साढ़े 9 भी बज जाते थे, ठंड में घर में आके डांट भी पड़ती थी, लेकिन हमने जब सोचा कि ठान के करना है तो करना ही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने किया। कई बार उसी क्रम में हमें अच्छे लोग मिले और बहुत सारी लेडीज ऐसी मिली। फिर जब हमने बिजनेस को सर से सुबह निकलना, पूरे दिन की रिपोर्ट जिस टाइम भी हम आते थे सर से, सर को आके बताना कि सर आज हमने ये किया है, आज हमने ये किया, उसी क्रम में सर हमें फिर समझाते थे बताते थे, हाँ सरोज जी आपने अच्छा किया है, आप इस तरीके से बिजनेस को करो, आपको ये तरीका अपनाना, आपको ऐसे चलना है।
और जेएमबीडी बिजनेस की मैं बात कहूँ तो सर जेएमबीडी में ऐसे गुरु हैं जो मतलब अपने जितने भी जेएमबीडी के हम है ना, मतलब वो हर किसी को कामयाब देखना चाहते हैं। तो इतने अच्छे गुरु हैं, हर हाथ पकड़ के चलते हैं हमारा, जहां हम भटक जाते हैं तुरंत हमें सही रास्ता दिखाते हैं कि इधर नहीं, आपको इधर जाना है, आपने ये बात गलत बोली, आपको इस तरीके से काम करना है, आपको ऐसे करना है। ये नोकिंग करना भी, जो आज हमने नोकिंग से बल्लभगढ़ में बिजनेस खड़ा किया है, वो सर ने ही हमें सिखाई थी, ओम सर ने। तो जेमबड़ी की एक सबसे अच्छी बात ये है कि जेमबड़ी में जो हमारे गुरु है ना, वो बहुत अच्छे हैं, हमेशा फोन उठाना, बात करना, समझाना। तो ऐसे हमने पार्कों में जाके जब बिजनेस स्टार्ट किया तो हमें बहुत अच्छा लगा, और वहां से बिजनेस निकलना शुरू हुआ। तब हमने सोचा कि अगर हम रोज निकलते हैं तो बिजनेस हमारा निकलना शुरू हुआ है, अगर हम हमें अब दौड़ना है, कुछ लोग हमें मिले। फिर हमने मीटिंग स्टार्ट की वीकली, रोज हम पार्कों में जाते, वहां पे बिजनेस स्टार्ट किया। अब कुछ लोग मिल चुके थे, पार्क में रोज जाते थे तो वही लोग मिलते थे। फिर हमने नोकिंग करना नए एरिया में शुरू किया, जो लोग थे उनको हमने वीकली मीटिंग देनी स्टार्ट की, और फिर हमने निकलना स्टार्ट किया। कई बार हम आ जाते थे तो सोच ठान के जाते थे घर से कि आज हमें जाना है, तो सिर्फ एक तरफ का किराया लेके जाना, दिमाग में एक प्रेशर लेके जाते थे कि आज हमें इतना सामान बेच के और वहां से किराया कमा के तब ही घर आना है, जब तक प्रोडक्ट सेल नहीं करेंगे घर नहीं आएंगे। तो इसी क्रम में हम निकले कुछ नए इलाकों में, जो कि हमें पता नहीं होता था कि हमें जाना कहाँ है, सिर्फ हम ऑटो में बैठे, ऑटो में बैठने के बाद हम निकले और किसी भी एक एरिया में उतर गए जहां पे हमारी कोई जान पहचान नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। वहां पे जाके हमने नोकिंग स्टार्ट करी, और पहले दरवाजे पे गए तो मना करी, दूसरे पे गए तो मना करी, तीसरे पे तो मना करी, जब हम लास्ट स्टॉपिट था हमारा वहां पे हमने गई तो वहां पे हमारा 3,000 के प्रोडक्ट सेल हुए। लास्ट जो हमारा लास्ट था, जब हम मायूस हो चुके थे कि अब हमें घर जाना है, तब हमने ठाना नहीं, शाम के 8 बज चुके थे, ठंड का टाइम था, लेकिन हमने ये था कि हमें बेक के जाना तो बेक के जाना, किसी को भी बेकना हो चाहिए, क्योंकि 8 बज रहे हैं, दिमाग में प्रेशर भी है, सामान बेकना भी है और किराया भी लेके घर जाना, क्योंकि हमारे पास किराया नहीं है और घर से हम काफी दूर हैं, कम से कम 30 रुपये हमारा किराया लगना है। अब हम लास्ट वाली दुकान पे गए और वहां पे हमारे माता रानी ने हमारी सुनी, जब हम मेहनत करते हैं ना तो ऊपर वाला भी हमारा साथ देता है। तो हमने वहां पे 3,000 के प्रोडक्ट वहां पे सेल किए, हमें इतनी खुशी हुई, और मैंने वहीं से ही सर के पास फोन किया, ओम सर के पास, कि सर आज हमने इस तरीके से काम किया। तो सर ने कहा कि बहन जी अब रात के 8:30 बज रहे हैं, पहले घर जाओ फिर आप मेरे पास फोन करना। तो हमने फिर सर को बताई पूरी कहानी। तो इस तरीके से हमने काम करना स्टार्ट किया, काम करने के बाद बिजनेस को अब चलने लगा था, जब हम घर से निकले तो बिजनेस चलना शुरू हुआ, फिर हमने दौड़ाना शुरू किया। जो हमारी टीम थी हमने सबको एक जगह इकट्ठा किया और हमने उनको एक हफ्ते की, मतलब हर रोज उनको डेमो प्रोडक्ट की, जितना मुझे आता था वो मैंने उन सबको सिखाया, बिल काटना, बिजनेस को कैसे करना है। और क्योंकि अगर हम इस बिजनेस में लंबा जाना चाहते हैं ना, तो हमें लोगों को सिखाना पड़ेगा, हम अकेले नहीं दौड़ सकते इसमें। हम अकेले 10 लोगों को पास जा सकते हैं, 20 के पास जा सकते हैं, लोगों की टीम बनानी है ना, तो हमें कम से कम 5,000 लोगों को सिखाना पड़ेगा, तब हम आगे बढ़। हम 10 लोगों को मैंने तैयार किया, और जैसे मैंने मेनका को तैयार किया, आज वो मेनका जी बिहार में इतना अच्छा काम कर रही है। मैंने मेरी जब मैं अकेली यहाँ से निकली तो मेरे यहाँ बल्लभगढ़ में कम से कम 35 से 40 हजार का सामान अब तो हर महीने मेरे आने लगा है। और इसी क्रम में मैंने फिर मेनका को सिखाया, अपनी जो मेरी टीम थी मैंने 10 लोगों का ठाना कि मुझे 10 लोगों को सिखाना है, और इसी क्रम में मैंने मेनका को सिखाया सारी चीजें, उसको आईडी लगाना, क्योंकि इस बिजनेस में सिखाना, सीखना और सिखाना, ये दो चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे मेन यही है कि खुद सीखो और दूसरों को सिखाओ, क्योंकि हम अकेले ज्यादा नहीं भाग सकते हैं, हम लोगों को साथ लेके भागना हमें। तो हमने लोगों को फिर मेनका को सिखाया, मेनका बिहार में पिछले महीने वहां पे 15,000 का सामान गया था, और इस महीने 30 से 35 हजार का सामान जाएगा। मैं बिहार एक बार भी नहीं गई, लेकिन इस महीने
30 से 35 हजार का सामान वहां पे जाएगा मेरे बिना जाए। सिर्फ ये ताकत है सीखने और सिखाने की, जो मैंने उनको यहाँ पे सारी चीजें सिखाई। आज वो वहां पे काम करती हैं और रात को फोन पे मुझे पूरी रिपोर्ट देती हैं कि दीदी आज मैंने ये किया, आज मैंने ऐसे किया, आज इतना सामान सेल किया, आज इतना सामान सेल किया। तो ये सीखने की ताकत है कि मैंने उनको सिखाया। इसी क्रम में मुझे किसी के थ्रू प्रमिला जी मिली, वो भी मुझे पार्क से ही मिली थी, पार्क से किसी और के थ्रू मिली थी। जिनके थ्रू वो मुझे मिली थी वो आज बिजनेस में नहीं है, लेकिन उनके थ्रू मुझे आज प्रमिला जैसी लेडीज मिली है जो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो जब मैंने देखा फिर मैंने उनको भी सिखाया और उनको प्रोडक्ट यूज कराए, उन्हें प्रोडक्ट के फायदे लगे। जैसे कि मैंने सर से सीखा था फॉलोअप की ताकत, सर ने मुझे लगातार 2 साल तक फॉलोअप पे रखा और आज उसी का कारण है कि आज मैंने ठाना है कि मुझे जेमबडी बिजनेस परमानेंट करना है। तो इसी क्रम में मुझे जब वो मिली थी परमिला जी से मेरी बात हुई, तो उनके घर में काफी सारी दिक्कतें चल रही थी। अब दिक्कतों के कारण मैंने उनसे दोस्ती की और दोस्ती करने का ये हुआ कि उनके घर में काफी सारी समस्याएं आई हुई थी, उन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा दीदी मैं आपसे बिजनेस के बारे में बात नहीं करनी, और हमारा एक फैमिली मतलब एक दोस्ती भी हो सकती है, एक सहेली के नाते मैं आपके पास ये बातें करने आई। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं। तो फिर आई वो, उनको कुछ दिक्कतें थी गैस की, मतलब काफी सारी प्रॉब्लम थी। फिर मैंने उनको अपने प्रोडक्ट, मैंने कहा कोई बात नहीं आप यूज करके देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप आगे करना। तो उन्होंने यूज किए, उन्हें अच्छे लगे तो धीरे धीरे हमारी दोस्ती बढ़ी। और फिर वो यहाँ आई तो मैंने उनको सिखाया, और आज भरतपुर में मेरा कम से कम 25 से 30 हजार रुपए का सामान हर महीने जाता है। तो ये मैंने उनको सिखाया तो वो भी सीख गई, और मैं भरतपुर अभी तक एक बार भी नहीं गई हूँ, और बिजनेस मेरा दौड़ने लगा है। इसी क्रम में जेमबीडी के प्रोडक्टों की मैं दद्दा जी के बहुत करना चाहूंगी कि दद्दा जी ने ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद है दद्दा जी को जिन्होंने ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं कि सिर्फ इस प्रोडक्ट के कारण ही हम इतना बिजनेस कर पा रहे हैं। और मेरठ में मेरी खुद की भाभी हैं जिनको पथरी है, पित्त की थैली में पथरी थी, और मेरी खुद की भाभी की निकली है, तब उनको उन्होंने ही प्रमोट किया था कि ऐसे ऐसे मेरी निकल गई आप भी यूज करो। और आज मेरठ में भी हर महीने मेरा 5 से 7 हजार का सामान हर महीने वहां पे जाता है। तो ये सारी ताकत है निकलने की, घर से निकलने की। मैंने ये नहीं देखा कि कौन निकल रहा है कौन नहीं निकल रहा, सिर्फ एक चीज थानी कि मुझे निकलना है। मुझे निकलने की ही ये ताकत है कि आज इतनी जगह मेरा वो निकल रहा है, मतलब बिजनेस मेरा चल रहा है, और आगे चल के मुझे ये बिजनेस अब निकलने से चलता है, दौड़ने से दौड़ता है, और दौड़ने के बाद कब उड़ जाता है ये तो हमें पता ही नहीं चलता। दौड़ने के बाद का ये बिजनेस कब उड़ जाता है, ये बिजनेस की ताकत ऐसी है कि आज अगर हमारे पास ये बिजनेस जब बढ़ना शुरू होता है ना, पहले हम इसको बढ़ाने की ताकत लगाते कि हमें बढ़ाना है बढ़ाना है बढ़ाना, लेकिन जब ये बिजनेस बढ़ना शुरू होता है ना तो हमें खुद नहीं पता चलता ये बिजनेस कितना बढ़ गया। एक ही पल में हम देखते हैं 10 हजार है, दूसरे पल देखते हैं 20 हजार है। अब इस जब मेरे अब मेरा मतलब मेरी टीम जैसे हर महीने मेरा बिजनेस बढ़ बढ़ के आता है। अभी कल ही मैंने आईडी खोल के देखी तो मेरे नीचे कम से कम 7 न्यू आइडिया लग चुकी थी, जो कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से लगी है। फिर मैंने फोन करके पता करा तो मेनका जी ने बिहार से वो आइडिया लगाई थी। तो ये बिजनेस ऐसा है जब लोगों को समझ में आ जाता ना तो ये इतना बढ़ जाता है, हम इसको रोकना भी चाहें ना तो ये रुक नहीं सकता। तो अगर हमें अपने सपने पूरे करने हैं तो मैं आपको बताऊं तो हम 4 बहन भाई हैं, और जिसमें से 2 भाई और 2 बहनें हैं। और ज्यादातर पेरेंट्स का क्या होता है कि उनको ना लड़कों के ऊपर ज्यादा विश्वास होता है कि मेरा लड़का है बिजनेस करेगा, नाम रोशन करेगा, ये करेगा। उसी क्रम में जब मेरे सामने ये बिजनेस आया और मुझे पता चला, देखा आज जब मेरी बिजनेस की फोटो डलती है ना और मैं उसको स्टेटस पे लगाती हूँ तो माला डली हुई होती है, तो मेरे पास फोन आते हैं मेरी बहन के मेरे भाई के, वो मुझसे पूछते हैं हम तो इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं तू क्या कर रही है, जो तेरे को मतलब तेरे माला भी तेरे गले में पड़ी होती है और इतने सारे लोग मतलब तालियां बजा रहे होते हैं, तो ऐसा तू कर क्या रही है। मैंने कहा जी मैं लोगों को ठीक कर रही हूँ, और डॉक्टर ना होते हुए भी मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ, कितने सारे पेशेंटों को सही कर चुकी हूँ, कितने पेशेंट हैं जो
पथरी के हैं और आज वो ठीक हो रहे हैं, और ठीक होने के बाद वो मुझे धन्यवाद करते हैं। मेरे हस्बैंड भी आज मेरे को डॉक्टर बोलते हैं, कहते हैं हाँ भाई तू तो डॉक्टर बन गई है, कहाँ कहाँ से लोगों के फोन, कई बार उन्हीं के पास फोन आता है कि भैया वो दवाई लेनी है पथरी की। तो जैसे मैं घर पे नहीं होती, मीटिंग के लिए गई होती हूँ, तो वो बोलते हैं जी डॉक्टर साहब बाहर गए हुए हैं, अभी आएंगे तो आप उनसे बात कर लेना। तो मतलब जेएमवीडी बिजनेस के प्रोडक्टों के कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। और अमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि अमित जी जब से जूम मीटिंग स्टार्ट हुई है, इस जूम मीटिंग से अमित जी जो हमें बताते हैं डॉक्टरी के बारे में, वो हम लोग लिखते हैं और हम लोगों को दे पा रहे हैं। पहले हम सोचते थे देने के लिए कि हम किसको क्या दें क्या ना दें, लेकिन जब से अमित जी ने हम मतलब बहुत ठीक हो चुके हैं, बहुत स्वस्थ होते हैं इस चीज इनके बारे में, तो बहुत अच्छा लगता है। और घर में तारीफ होती है वो अलग से। ये बिजनेस वो है जो हम घर में रह के भी कर सकते हैं। इस बिजनेस में अगर हमने 5 साल दौड़ लिए तो उसके बाद आपको दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिजनेस अपने आप ही उड़ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि बिजनेस उड़ रहा, रॉकेट बन जाता है उसके बाद। तो अगर हमने 5 साल तो हमें इसमें देना ही पड़ेगा। आज बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, जैसे मेरी ही टीम के लोग हैं, कई लेडीज हैं मेरे पास, तो वो कहती हैं दीदी हम किसी के पास जाते हैं तो लोग हमारी बात सुनते नहीं है, लेकिन अगर आप जाते हो ना तो जो लेडीज को हम समझा के थक गई वो आपके बात करने से ही ज्वाइन हो जाते हैं। तो मेरा एक ही जवाब होता है, ये ताकत है मीटिंग की, लगातार मीटिंग। अगर हम क्लास में एडमिशन ले लेते हैं और लगातार स्कूल में नहीं जाएंगे तो हम पास नहीं हो सकते। हमें लगातार हम मीटिंग में जाते हैं तो लोगों को किस तरीके से समझाना है, किस प्रोडक्ट का क्या फायदा है, जैसे कुछ चीजें मुझे भी नहीं पता होती है। हमारी टीम में एक वो है परमिला जी, वो तुलसी का इतना अच्छा यूज करती हैं, मेरे को इतने साल हो गए तुलसी यूज करते हैं, सिर्फ इतना पता है कि मुंह से हम पीते हैं। लेकिन मैं मीटिंग में गई तो मुकेश सर ने उस दिन मीटिंग में हमें प्रैक्टिकल करके दिखाया, हमने लोगों के ऊपर किया, तो ये सारी ताकत मीटिंग की है। अब परमिला जी आई, उन्होंने मुझे बताया मीटिंग में आके कि दीदी इसको ना अगर नाक में डालते हैं तो सर का दर्द तुरंत सही हो जाता है। उनके घर में बहुत कराती हैं, वो भी बहुत अच्छे से यूज करते हैं और रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है इन प्रोडक्टों का। तो ये मीटिंग में आने का ही है, सारी जो भी बातें हैं मीटिंग में आके जब हम सीखते हैं तो दूसरे इंसानों को बताना आसान हो जाता है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश मैं ये करती हूँ कि मैं जिन भी नए लोगों को ज्वाइन कराती हूँ तो बिजनेस इसी तरीके से, जब हम एक को लेके आते हैं ना तो वो अगले दिन दो को बताते हैं तो वो लोग भी मीटिंग, कितने लोग ठीक हो रहे हैं, क्योंकि मीटिंग में क्या है पंजाब से भी लोग जुड़े हुए हैं, बिहार से भी लोग, जब हम सामने वाला खुद अपना एक्सपीरियंस बताते हैं लोग उस चीज को ट्राई करते हैं कि हाँ तुलसी को हम देखते हैं जी। अभी शाम को ही मेरे पास एक फोन आया था दीदी का, तो वो कह रही दीदी मेरे सर में दर्द है, तो मुझे परमिला जी वाली बात ध्यान आई, मैंने कहा जी आप तुलसी को आप नाक में डालिए आपका सर का दर्द सही हो जाएगा। अब उन्होंने वो तुलसी नाक में यूज करी और उनके सर का दर्द सही हुआ, और उनका फोन आया मेरे पास कि दीदी जो पत्नी ये है ना सर का दर्द मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। अब उनके सर का दर्द सही हुआ, उनके पास कम से कम 5-6 लोग उनके वहीं पे रेंट पे रहते हैं, उन्होंने दूसरी लेडीज को बताया कि दीदी मेरे सर का दर्द सही हो गया आप भी यूज करो उसको, है ना बारिश वाला, इसमें क्या है बुखार यूज करी तो उनको प्रोडक्ट की क्वालिटी का पता चला कि जी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। अभी शाम को ही उन्होंने ज्ञान, आप ये तुलसी और वुमेन शक्ति की उनको कोई दिक्कत थी वो मैंने उनको बताई, कह रही दीदी जब एक छोटा सा प्रोडक्ट तुलसी जिसकी मैंने सिर्फ 2 ड्रॉप अपने नाक में डाली है और मेरे सर का दर्द सिर्फ 5 मिनट नहीं लगे सही हो गया, मैंने सुबह गोली खाई थी उसके बाद मेरे सर में फिर भी दर्द था सही नहीं हुआ, लेकिन मैंने सिर्फ 2 ड्रॉप डाली है जिसका एक छोटा सा प्रोडक्ट ही इतना असरदार है तो और प्रोडक्ट कितने अच्छे होंगे। तो अभी उन्होंने 1100 रुपए का ऑर्डर डाला है और कल मैं उनको सामान लाके भी दूंगी। तो इसी तरीके से बिजनेस निकलता है, बिजनेस को हमें निकालना है तो हमें प्रोडक्टों को यूज कराना पड़ेगा लोगों को, चाहे वो प्यार से करे तो प्यार से, डांट से करे तो डांट से। तो
तो मैं जितनी भी मेरी टीम है मैंने सबको पहले जबरदस्ती प्रोडक्ट यूज किए, उनसे दोस्ती की, परमिला जी आपको यूज करना है तो करना ही है, पहले आप यूज करो उसके बाद आप मेरे से बात करना, मुझे उन्हें पैसे निकालो, पहले आप मुझे 200 रुपए दो, कोई बात नहीं 10 रुपए कम है कोई बात नहीं आप दो। उन्होंने तुलसी यूज करी, उसका रिजल्ट आज ये है। पहले परमिला जी ने मुझसे बोला था कि दीदी नहीं, मैं ना सिर्फ प्रोडक्ट यूज करूंगी और बिजनेस नहीं करूंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं आप यूज तो करो, एक बार यूज करो, करी एक ही बार लूंगी दोबारा नहीं लूंगी। मैंने कहा जी कोई बात नहीं एक ही बार ही ले लो आप, हमें तो घर जाना किराया लेके आपसे। अब उन्होंने यूज किया, उनका 10 दिन के बाद मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि दीदी आपका जो ऑयल था ना बालों वाला वो ज्यादा पसंद आया है और मुझे 2 बोतल ऑयल चाहिए। मैंने कहा ठीक है दीदी कोई बात नहीं आप ले लो, हमें तो सामान देना है आपको, खरीदना आप यूज करो। उन्होंने यूज किया, मैंने कहा ये सिर्फ एक ही चीज आपने यूज करी है। फिर उन्होंने वुमेन शक्ति यूज करी तो उन्होंने उसका रिजल्ट बताया, दीदी बहुत अच्छी है मुझे अपनी बेटी के लिए चाहिए। ठीक है जी लो आप यूज करो। फिर उनका फोन आया मेरे पास कि मुझे जेएमवीडी ज्वाइन करना है, अब आप मुझे बताओ कि मुझे इसमें करना क्या है। ये ताकत है, बिजनेस को अगर हमें निकालना है तो हमें सबसे पहले लोगों को प्रोडक्ट यूज कराने पड़ेंगे, और हमारे प्रोडक्टों के रिजल्ट इतने अच्छे हैं कि सामने वाला ज्वाइन करने से मना कर ही नहीं सकता। तो जितने ज्यादा हम प्रोडक्ट यूज करा सकते हैं उतना ही ज्यादा हमारा बिजनेस निकलता है। ऐसे ही मेरठ में है मेरी भाभी, उनको मैंने प्रोडक्ट यूज कराया, अभी उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया था तो उनकी जो पथरी थी उनको पथरी है और रसोली की दिक्कत भी है उनको, तो अब वो दोनों ही चीज कम हो चुकी है उनकी। अभी उनका फोन आया था, अभी उनका इस महीने का ऑर्डर नहीं डला तो उन्होंने बोला दीदी मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, मेरी रसोली भी कम है और मेरी पथरी भी कम है, तो अभी उनका ऑर्डर डलेगा 1-2 दिन में। तो ये सारे प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं इसलिए हमारा बिजनेस निकलता है, और बिजनेस निकालने के लिए हमें चाहे जबरदस्ती से कराया जाए, चाहे दोस्ती से कराओ, चाहे गुस्से से कराओ, लेकिन हमें लोगों को प्रोडक्ट यूज कराने ही पड़ेंगे। इसी क्रम में मुझे सोनी जी मिली, सोनी जी के हस्बैंड को दिक्कत थी, उन्होंने इसके प्रोडक्ट यूज किए, उनके हस्बैंड ने खुद उसकी तारीफ करी कि जी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो वो लगातार लिए। और इसी क्रम में मुझे प्रेमलता जी मिली परमिला जी के थ्रू, उनको हमने प्रोडक्ट यूज आईडी लगाओ ना लगाओ अपनी मर्जी, पहले आप प्रोडक्ट यूज करो। उन्होंने प्रोडक्ट यूज किए, उनसे हमने 4 दिन के बाद पूछा दीदी रिजल्ट कैसा लगा आपको प्रोडक्टों का, उन्होंने कहा जी रिजल्ट बहुत बेहतरीन है बहुत अच्छा है। तो हमें बिजनेस को निकालने के लिए सबसे पहले लोगों को प्रोडक्ट यूज कराने पड़ेंगे, चाहे वो हमें जबरदस्ती कराने पड़े, चाहे गुस्से से कराओ, चाहे दोस्ती करके कराओ, लेकिन कराने मैंने यही सीखा है, यही ओम सर ने हमें सिखाया है। तो बिजनेस निकलता है और निकलने के बाद वो दौड़ता है, दौड़ने के बाद वो रॉकेट बन जाता है। और इसी क्रम में जैसे कि अभी 24 तारीख के लिए, चौबीस तारीख को जो हमारी मैंने टिकट कराई है अपनी और अपने बेटे की दोनों की, और मेरी टीम से भी मैंने काफी सारी लेडीजों को बोला, उसमें से कुछ लेडीज हैं तैयार हैं जो कि मेरे साथ वहां पे मीटिंग में जाएंगी। और वहां पे जाके मतलब वहां पे हर जिन लोगों को हम जूम मीटिंग पे देख रहे हैं वो लोग हमें वहां सामने मिलेंगे, जिनसे हम मिलेंगे, और मीटिंग किस तरीके से करनी है, मतलब जितने लोग हैं उनका एक्सपीरियंस हम लोगों से ज्यादा है। अभी हमारा 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, जिनके 15 साल के हैं, 20 साल का एक्सपीरियंस है, उनसे हमें सीखने को वहां पे मिलेगा। तो इसलिए 24 तारीख की मीटिंग के लिए मैं अपनी जितनी भी मेरी टीम के लोग हैं, मैं हर किसी को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो चले, और काफी सारे लोग उसमें रेडी भी हुए हैं तो चलेंगे। जैसे कि मेनका जी भी पूरी कोशिश कर रही है कि वो वहां से आए, एक लड़की है मेनका, 10th क्लास की स्टूडेंट है और बहुत अच्छा बिजनेस बिहार में वो कर रही हैं, पढ़ाई के साथ साथ उनके वो पढ़ाई भी करती हैं और इस बिजनेस को भी कर रही हैं, और 24 तारीख को मीटिंग में आने की भी उनकी पूरी तैयारी है। वो क्योंकि लड़की है एक अकेली तो पेरेंट्स नहीं भेज सकते उनको अकेला, तो वो शायद अपने पापा या भाई को लेके आएंगी। और अभी
तो बिजनेस, जैसे कि सर ने टॉपिक रखा है कि बिजनेस कैसे निकलता है, तो जहां तक मुझे लगा बिजनेस, मेरा सोचने का तरीका तो यही है कि बिजनेस को प्रोडक्ट हम ज्यादा से ज्यादा यूज करा के, और निकलने से, हमारे बाहर निकलने से बिजनेस निकलता है। अभी मैं कल ही का आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरी टीम में एक रीना जी हैं, तो कल उनका मेरे पास फोन आया कि देखो, हम जैसे अपलाइन होते हैं ना, तो जितने भी हमारे डाउनलाइन है वो एक बच्चे की तरह होते हैं, हमें उनको एक बच्चे की तरह चलाना और सिखाना सारी चीजें करनी पड़ती हैं। अब कल रीना जी का मेरे पास फोन आया, वो बोली दीदी सामान लेने चलना बदरपुर बॉर्डर। मैंने कहा रीना जी आपको अकेले जाना पड़ेगा, मुझे काम है, क्योंकि मैंने कहीं की मीटिंग ली हुई थी। तो बोली नहीं दीदी मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मैं कभी नहीं गई। मैंने कहा आप जाओ, मेरे से फोन पे कांटेक्ट में रहोगे और मैं आपको एड्रेस बताऊंगी, आप जा चुके हो और आप सामान लेके आओ। वो गई कल, निकली। अब वो ऑटो में निकली तो मैंने उनको बताया, जब भी ऑटो में आप जाते हो, जो भी बैठा होता उनसे बातें करो, अपने बिजनेस के बारे में बताओ। अब वो गई वहां पे, उन्होंने थोड़ा सा भटक गई थी लेकिन सामान लेके आई। अब वो नेक्स्ट टाइम अकेले जा सकती है, क्योंकि हमें टीम को सिखाना है। अब हमारे पास अगर 5,000 लोगों की टीम बन जाएगी तो हम हर किसी को तो सामान दिलाने नहीं जाएंगे, इसलिए हमें सिखाना भी जरूरी है। कल वो गई पहली बार अकेली, मैंने उनको सिखाया आप अकेले जाओ। वो गई सामान लेके आई, सामान लेके आने के बाद फिर शाम को उन्होंने मुझे फोन किया, क्योंकि निकलने से बिजनेस निकलता है। वो ऑटो में बैठी, ऑटो में बैठी उनको एक अंकल मिले जिनको उन्होंने पहले बिजनेस के बारे में बताया था, और वहां पे आते हुए उन्होंने 2 प्रोडक्ट सेल किए, क्योंकि वो घर से बाहर निकली, अकेले गई। और अकेले जब जिम्मेदारी इंसान के ऊपर पड़ती है ना, जब अपने ऊपर जिम्मेदारी आती है, जब तक हम हाथ पकड़ के चलते हैं ना, तो हमें ये लगता है कि सहारा है, हम हाथ पकड़ के चलेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। लेकिन जब हाथ छोड़ के, जब हम चलना एक दो बार गिरेंगे, लेकिन फोन आया दीदी कोई बात नहीं, अब मैं अकेले सामान लेके आ सकती हूँ। अब उन्होंने महीने से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और लगातार बिजनेस कर रही हैं। अब उनको बिजनेस करना भी अच्छा लग रहा है, हर रोज शाम को फोन करती हैं, दीदी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने उनसे पूछा जी क्यों अच्छा लग रहा है आपको, पहले तो आप मना कर रहे थे। उन्होंने कहा दीदी मैंने मीटिंग अटेंड करी है, लोगों को बताना स्टार्ट किया, जैसे मैंने लोगों को बताना स्टार्ट किया है तो लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, और प्रोडक्ट यूज करने का रिजल्ट ये है कि लोग, जो मेरे महीने की 10 साबुन बिकती थी, अब 30 साबुन भी कम पड़ जाती है, क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छे हैं सारे ही प्रोडक्टों के। और जब उनको तुलसी का डेमो दिया तो तुलसी वो अच्छी खासी निकाल लेती है। अब ये सारे रिजल्ट बाहर निकलने के और प्रोडक्टों को यूज करने के। कल जो अंकल थे उनको मिले, उन्होंने प्रोडक्ट यूज कराए, उन्हें प्रोडक्ट अच्छे लगे, उन्होंने कहा ठीक है, जब तुम कर ही रही हो 8 महीने से, तुम्हें फायदा लग रहा तो मैं भी करूंगा। और अब वो सामान भी MRP पे देती है। वो कहती है दीदी 1100 रुपए, तो मैं 1100 रुपए से ही निकाल लेती हूँ, 1100 का सामान लाती हूँ, उसको 1100+ में बेच देती हूँ, क्योंकि MRP पे सामान देती हूँ। वो एक बार लोगों को यूज कराया, अच्छा लगा। लोगों की आज मजबूरी बन चुकी है कि हमारा ही पेस्ट उन्हें यूज करना है, क्योंकि पेस्ट का रिजल्ट ऐसा है कि एक थोड़े दिन पहले हम नोकिंग करने गए थे, तो वहां पे हमने एक लेडीज को बैठे हुए ऐसे पेस्ट दे दिया था, और हम घर से निकले थे उस टाइम पे, और एक दिमाग में प्रेशर लेके निकले कि आज हमें निकलना है, और हमारे पास सिर्फ जाने का किराया था, आने का किराया नहीं था। अब हमने उन लेडी को पेस्ट दिया, हमने उनसे बात करी, ऐसे रोड पे बैठी हुई थी वो, और शाम का टाइम था, बादल हो चुके थे और हमें घर भी जाना था। हमने उनसे बोला कि दीदी आपको कोई दिक्कत है, उन्होंने कहा हाँ जी मेरे दांतों में दिक्कत है, और मैं अभी डॉक्टर के पास से आई हूँ, और उनके हाथ में जो कागज था उसमें 700 रुपए का बिल था। उन्होंने कहा जी 700 रुपए दे के, उनका 250+ का तो उनको पेस्ट दिया था डॉक्टर ने, और 500+ की उनकी फीस थी डॉक्टर की, सिर्फ एक बार देखने की। तो हमने उनको बोला कि दीदी अगर ये, अगर आप पेस्ट नहीं लाए हो तो आप हमारा पेस्ट यूज कर लीजिए। उस टाइम वो पेस्ट सिर्फ हमने उनको दिया 90 रुपए का। मैंने कहा 90 रुपए का पेस्ट है, अगर आपको इससे रिजल्ट नहीं आता है ना, तो आप हमें रिटर्न कर देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और जितना आप यूज कर लोगे और हम आपको पैसे भी पूरे दे के जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, जब आप इतना वो कर रहे हो, तो अनजान थी वो और लेने में भी डर रही थी। हमने उनको अपना नंबर दिया, अपना एड्रेस बताया कि जी ये हमारा एड्रेस है, आप इसे यूज कीजिए। उन्होंने वो प्रोडक्ट यूज किए और उसका रिजल्ट ये था पेस्ट का कि उनका 15 दिन के बाद, मैं उन लेडी को भूल गई, लेकिन उनका नंबर, हम अपना नंबर उनको दे के आए थे, तो उन्होंने मेरे पास कॉल किया
मैंने उनसे बोला, मैंने कहा जी आप कौन बोल रहे हो? कह रहे दीदी मैं, आपने मुझे पेस्ट दिया था। मैंने कहा जी हाँ पेस्ट दिया था, आप बताओ आपको पेस्ट वापस करना है, पैसे लेने हैं तो बताओ, मैं पेटीएम करा देती हूँ आपके पास अगर आपको रिजल्ट नहीं आया तो। उन्होंने कहा नहीं दीदी मुझे पेस्ट और चाहिए, आपका पेस्ट इतना अच्छा है, जो मेरा 750 रुपए का पेस्ट मुझे पड़ा था, क्योंकि 500 से प्लस की फीस थी और 250 से ऊपर का मेरा पेस्ट था, उसका रिजल्ट ये है कि आज मेरे दांत काफी हद तक ठीक हो चुके हैं, अब मैंने डॉक्टर के पास जाना बंद कर दिया है। फिर मैंने उनको तुलसी और पेस्ट दोनों चीजें उन्हें यूज कराई। तो बिजनेस निकलने का सबसे मेन है कि हमें लोगों को प्रोडक्ट यूज कराने पड़ेंगे। जब तक हम लोगों को प्रोडक्ट यूज नहीं कराएंगे, जब तक बिजनेस नहीं निकलता। और बिजनेस तो यही है हमारा कि हमें प्रोडक्ट यूज कराने हैं। तो इसी क्रम में मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ जुड़ी हुई है मेनका जी, और वो बिहार में बहुत अच्छा बिजनेस कर रही हैं, लगातार लोगों को प्रोडक्ट यूज भी करा रही हैं, और रोज शाम को मुझे बताती हैं कि दीदी आज मैंने इतने प्रोडक्ट यूज कराए। और वहां पे एक स्टोर भी खुलवाने की वो तैयारी में लगी हुई है, वहां पे अभी उन्होंने 3,000 का सामान किसी को सेल किया है, और बहुत अच्छा लग रहा है उनको वहां पे बिजनेस करना। और बिजनेस करना तब अच्छा लगता है जब लोगों को इनकम आती है, जैसे कि रीना जी, अब मैं उनकी जब आवाज सुनती हूँ ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है। बड़ी खुशी से वो मुझे बोलती हैं, दीदी बड़ा मजा आ रहा है मुझे बिजनेस करने में। मैंने पूछा जी क्यों आ रहा है ये बताओ? कह रही दीदी पहले तो मैं लोगों से बात नहीं करती थी, लेकिन अब आते आते ना कल वो 1100 का सामान लेके आई, जिसमें से 1900 रुपए का सामान कल ही बेच दिया, और वो भी MRP पे बेचा। अपना किराया भी उन्होंने निकाला है और 100-150 रुपए और भी ऊपर से उन्होंने अपने निकाल लिए। तो बिजनेस करने में, और जब अपनी डाउनलाइन आके बताती है ना कि दीदी बड़ा मजा आ रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है ये सुन के कि हाँ, जब लोग जिनको हम सिखा रहे होते हैं वो सफल होते हैं। तो ओम सर से यही मैंने सीखा है और यही मैं अपनी टीम को सिखा रही हूँ। हर रोज सर से सीखती हूँ और हर रोज अपनी टीम को सिखाती हूँ। और इसका एक रूल है, अपलाइन से सीखो जैसा, डाउनलाइन को बताओ वैसा, और खूब आएगा आपको पैसा। तो ये सर से सीखा है और बहुत अच्छा लग रहा है बिजनेस करते हुए भी। और जैसे कि मेन जी हैं जो 10th क्लास की स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छा बिजनेस कर रही हैं हमारे साथ, और मैं चाहूंगी कि वो भी कुछ बोलें, लेकिन उन्होंने मुझे मना किया था कि उन्होंने मेरे से मना किया था कि नहीं दीदी मेरा नाम मत लेना, मेरा गला खराब है। ये सारे एक्सपीरियंस हैं जो मैंने आपको बताए। और JMBD बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसको अगर हमने 5 साल शिद्दत के साथ कर लिया ना, जो हम जॉब करते हैं ना वो हमें 8 घंटे रोज करनी पड़ती है, और अगर हम इसको जॉब की तरह 5 साल कर लेते हैं ना तो हमें 60 साल करने की जरूरत नहीं है। और जॉब जो इंसान कर रहे हैं ना, वो ही जानते हैं कि जो हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं ना, वो हम जॉब से नहीं, बिजनेस से कर सकते हैं। जॉब का ये होता है कि वो हमें भूखा मरने नहीं देती है और आगे बढ़ने नहीं देती है, हम वहीं के वहीं रहते हैं। और इसलिए हर किसी को JMBD बिजनेस करना चाहिए। देखो JMBD बिजनेस हमें पैसे के लिए भी करना चाहिए, और अपनी है उनके पास सेहत नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो के सेहतमंद नहीं है, और पैसा तो हम कितना भी कमा सकते हैं, लेकिन जो हमारी सेहत है ना वो सबसे मेन है। अगर हम एक अच्छे मखमल के गद्दे पे भी सो रहे हैं और हम बीमार हैं, तो ये लगा लीजिए आप, हमें वो गद्दा भी अच्छा नहीं लगेगा, वो AC भी अच्छा नहीं लगेगा, और वो घर भी अच्छा नहीं लगेगा, चाहे वो शीश महल ही क्यों ना बना पड़ा हो। लेकिन अगर हम सेहतमंद हैं, तो चाहे अगर हम ईंट रोड़ों पे भी सो रहे हैं ना, तो हम सो जाएंगे, हमें नींद आ जाएगी और हम चल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी सेहत है, जो JMBD हमें देती है ना, वो हमें सबसे पहले हमारी सेहत देती है। अगर हम सेहतमंद रहेंगे तो हम हर सपना पूरा कर सकते हैं। तो JMBD का सबसे पहला उद्देश्य है कि हम सेहतमंद रहें। जैसे कि मैं बताऊं अपने घर में ही, मेरे घर में कम से कम साल के 35,000 से 40,000 रुपए डॉक्टरों के पास जाते ही थे। प्रोडक्टों के बारे में मैं आपको बताऊं, मेरी सास को आज से 3 साल पहले पैरालाइज का अटैक आया था। पहला अटैक आया उनको, और दूसरा अटैक उनको 2 महीने नहीं होते तो दूसरा अटैक भी आया। उस वक्त मैं JMBD में जुड़ी ही जुड़ी थी, और मैंने सर से बात करी
कि सर ऐसे ऐसे बात है, तो सर ने मुझे इनके कुछ प्रोडक्ट बताए जिसमें वंडर लाइफ तुलसी और सलग की थी। मैंने अपनी सास को वंडर लाइफ तुलसी और सलग की के प्रोडक्ट यूज कराए और आज 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं, आज वो बिल्कुल ठीक है और ऐसे परेशान है। जैसे कि ये बिजनेस है, इसमें ना घर के लोग नहीं सुनते हैं, बाहर के लोग सुनेंगे लेकिन घर के लोग नहीं सुनते हैं। मैंने अपनी मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी आप ये प्रोडक्ट यूज कर लो, उन्होंने नहीं किए। लेकिन जब मेरी भाभी की पथरी सही हुई ना, तो अब उन्होंने सलग की मंगाई है और मैंने उनसे पूछा मम्मी आपको कैसा लग रहा, उन्होंने कहा हाँ बेटा अब तो मैं चल पा रही हूँ, ये सलग की यूज करने से उनके जो घुटनों का दर्द है ना, कम से कम उनको हो चुके 10 साल उस घुटने से परेशान है, वो कहाँ कहाँ गए जा चुकी हैं कोई गिनती नहीं है, कितने पैसे लगा चुकी है कोई गिनती नहीं है। लेकिन आज उनको 2 महीने हो गए ये प्रोडक्ट यूज करते हुए और वो आसानी से चल लेती है, कोई दिक्कत नहीं होती उनको। और अभी सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं, 10 साल की बीमारी है, थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। मैंने उनको 6 महीने का टाइम दिया लेकिन वो 2 महीने में इतना अच्छा रिजल्ट है, वो कह रही है अब तो मैं आराम से चल लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने एक चीज और सीखी है मैंने, जैसे कि कल मैं शाम रात के टाइम में स्टेटस चेक कर रही थी तो उसमें मैंने देखा कि ओम सर को बेटा हुआ है और बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से ओम सर को कि वो उनको बेटा हुआ और वो पिताजी बन गए। और इस चीज से मैंने ये सीखा कि देखो उनकी वाइफ पूजा जी जो कि प्रेग्नेंट है और लास्ट टाइम है और कल उनकी डिलीवरी भी हुई है, और सर ओम सर मतलब बहुत ऐसे गुरु मतलब हर उसमें नहीं मिलते हैं कि उन्होंने काम को सबसे पहले अहमियत दी। और कल जब मैंने सर के पास बधाई देने के लिए फोन किया तो मुझे पता चला कि सर बंगाल में है इस वक्त, वो आरा में मीटिंग दे रहे थे शाम को। और मैंने कहा सर मतलब ये सीखने को मिलता कि हमें काम के प्रति अपना पूरा लगाव हमें रखना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ के पूरी तरीके से अगर हम किसी काम को करते हैं। और इसी तरीके से जैसे ओम सर उनके जैसे बनने की कोशिश कर रही हूँ, मैं नंबर वन बनने की पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ओम सर के जैसी बन सकूं, क्योंकि हर जो जैसे कि मैंने 3-4 कंपनियां की हैं उन कंपनियों में वो गुरु नहीं है, जैसे कि जेएमबीडी में ओम सर हो गए, दद्दा जी हो गए, और बदरपुर बॉर्डर जाते हैं तो सर से काफी कुछ सीखते हैं। तो ऐसे गुरु हर कंपनी में नहीं है जो अपने शिष्य को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश करते हैं। और इतनी इतना बड़ा फैसला हर कोई मतलब छोटा मोटा इंसान नहीं ले सकता, जिनकी वाइफ प्रेग्नेंट है और लास्ट टाइम है और हॉस्पिटल में भर्ती है और सर बिहार में सॉरी बंगाल में है, आरा में वो मीटिंग कर रहे हैं। तो इन चीजों से हमें भी ये मतलब बहुत मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मुझे भी सर के जैसा बनने की कोशिश कर रही हूँ।